इंदौर के समीप कुरेल थाना क्षेत्र के उमरिया स्थित तालाब में पिकनिक बनाने गए पांच दोस्तों में से दो की पानी में डूबने से मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला। मृतकों में एक युवक राष्ट्र स्तर का क्रिकेट खिलाड़ी था। मामला खुलेर थाना क्षेत्र के उमरिया गांव के पास खदान में पिकनिक के मनाने गए पांच युवक में से दो युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक गौरव पबले राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट खिलाड़ी था, जिसने इंदौर शहर का नाम पूरे देश में रोशन किया था। वहीं इसकी साथी की भी डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम को बुलाकर दोनों के शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाकी ये कुड़ेल तरफ हादसा हुआ और मेरा ब्रदर था गौरव पाबले, और बाकी का मुझे कोई पता नहीं है कौन थे वो। क्या करने गए थे वहाँ पर? ये पार्टी करने गए थे वहीं पे। कितने लोग डूबे वहाँ पर? दो लोग डूबे इसके साथ, सात लोग मतलब टोटल दो। दोनों की डेथ हो गई? हाँ। ये कौन से अंडर 19 भी खेल चुके हैं? अंडर 19, अंडर 15, 17, 19 MP खेला हुआ है और अफ्रीका भी खेल के आया हुआ था। ये काउंटी कोई सी काउंटी थी अफ्रीका की। ये अंडर 19 खेलने गया था? अंडर 19 नहीं, वो तो पूरा सीनियर टीम में खेलने गया था काउंटी अफ्रीका। टाइम नहीं खेले थे? कौन से गेम? क्रिकेट में। क्रिकेट में ये उमरिया खुर्द की एक खदान है, वहाँ पे दो लोगों की मौत हुई है डूबने से पानी में। खदान में पानी भरा हुआ था, वहाँ पे नहाने के हिसाब से गए थे और डूबने से इनकी मौत हो गई। कितने लोग गए थे उस टाइम में? चार से पांच लोग नहा रहे थे वहाँ पे। तो दोनों की इस पार्ट को देख लीजिए जी।